और पार्टी और गृह मंत्री एक एक छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। उनको इस बात का गर्व नहीं है कि हमारी सभा में 300 लोग हैं कि 200 लोग हैं। विचारधारा, संगठन और मूल्य आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो मैंने कहा कि दीनदयाल जी की जब हम पार्टी कहते हैं तो व्यक्ति की बात नहीं, उनकी दूसरी घटना बताऊंगा जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ और हम सबको हृदय में बैठा लेना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे, इसकी चर्चा मैं दो बार बेगूसराय में कर चुका हूं और देश भर में चर्चा करता हूं। चुनाव लड़ रहे थे, जनसंघ की सीट थी, हमारे ही जनसंघ के सांसद की मृत्यु होने से सीट खाली हुई। 63 के चुनाव की चर्चा मैंने सदन में भी अपने भाषण में किया, मैं लोगों को आगाह किया कि जनतंत्र का मतलब क्या हुआ। फरुखाबाद से राम मनोहर लोहिया लड़ रहे थे, अमरोहा से जेबी कृपलानी लड़ रहे थे, जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय लड़ रहे थे, सूरत से मीनू मसानी लड़ रहे थे। 3 सीटों पर चुनाव जीतना निश्चित था विपक्ष का, चूंकि नेहरू जी इन सबको हराना चाहते, 4थी जीत निश्चित थी दीनदयाल जी, और वहां जातीय समीकरण जनसंघ के पक्ष में था, हमारे मातृ संगठन के मुखिया वहां के और दीनदयाल जी की जाति दोनों मिलकर हम चुनाव जीते थे। दीनदयाल जी को लगा कि मैं तो संसद पहुंच जाऊंगा, जिस आदर्श के लिए जनसंघ की स्थापना हुई आदर्श की महत्या हो जाएगी, मैं संगठन मंत्री। उन्होंने पहली बार एक बड़ी सभा में, जाति के नाम पर सभा थी, उन्होंने कहा बैनर हटा दो, बैनर हटा, लोग नाराज हुए। 60 के दशक में कितनी यथास्थितिवाद था। फिर बोले जो लोग जाति के नाम पर आए वो मेरी सभा को छोड़कर चले जाए, 2/3 लोग सभा छोड़कर चले गए। उनके चुनाव प्रचार के लोग कहते थे दीनदयाल जी क्या कर रहे हैं, ये तो पैर में तुम्हारी मार रही, चुनाव है ना इसमें कर दो। बोले चुनाव में यदि हम अनियमितता बरतेंगे, चुनाव में अनैतिकता बरतेंगे, 5 साल हम चाहेंगे नैतिक बने तो संभव नहीं। और दीनदयाल जी ने अपनी हार को सुनिश्चित कर दिया, जीती हुई सीट जनसंघ के पास 3 सांसद थे बच गए, 4 सांसद में 3 बच गए, 4थी सीट दीनदयाल जी ने जानबूझ के अपने को हरा दिया। और हारने के बाद वे हर मोहल्ले में गए जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको कहा कि आपने वोट नहीं दिया, आपने जनसंघ को जिता दिया, दीनदयाल को हरा दिया, जनसंघ को जिता दिया। हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में संकीर्णताओं का कोई स्थान नहीं, संकीर्णता से बनने वाले लोग नहीं, यदि कोई संकीर्णता आई तो उसको हम दूर करेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक बेगूसराय की बात है, मैं तो एक मनोनीत सदस्य हूं राष्ट्रपति जी से, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी मैंने छुट्टी ली है, क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा घर नहीं चल पाएगा, तो इसमें राज्यसभा की सैलरी लेकर नहीं यूनिवर्सिटी की सैलरी लेता हूं। तो ही बात है कि जब तक मैं सदन का सदस्य हूं मेरे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन की सदस्य होने का आप चाहे जितना महान हो जाए, यदि आप वैधानिकता आपके पास है तो आपकी कार्य करने की ताकत बढ़ जाती है, विधायिका में रहने के कारण आपकी ताकत बढ़ जाती है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं बेगूसराय बरौनी को एक प्रतिष्ठित औद्योगिक और शिक्षा के केंद्र के रूप में, हम राष्ट्रपति जी से लेकर जिला अधिकारी तक किसी के सामने याचना नहीं है, हम उनको वस्तुस्थिति बताएंगे कि आप जहां हैं, जहां आप पैर रखने वाले हैं उसकी क्षमता को देखिए, राष्ट्र के विकास में उसके इतिहास को देखिए, 50 साल पुरानी समाजशास्त्र की पुस्तक को उठा लीजिए, देश के औद्योगिक नगरी में बरौनी का नाम आता है कि नहीं आता है बता दीजिए, वो नाम क्यों बाहर हो गया, कांग्रेस के शासन ने उस नाम को बाहर कर दिया, स्खलित कर दिया। 2014 में मोदी जी ने आकर यहां चाहे वह फर्टिलाइजर हो चाहे तेल शोधक कारखाना हो उसको आगे बढ़ाया। अब मेरा एक ही मकसद है कि बेगूसराय एक आदर्श औद्योगिक केंद्र का, मैं जिला इसको बोलता ही नहीं, बेगूसराय एक आदर्श औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो। आज मैं DRM साहब को बोला स्टेशन पर कि सूरत तो बदल गई, देखिए मैं हम बेगूसराय बैठे लेकिन मुझे ध्यान साहब को कमाल था, सबसे बुरी स्थिति में स्टेशन था, मैं कभी कल्पना नहीं किया कि बिहार का एक ऐसा स्टेशन जिस पर मिट्टी का ऐसा टीला होगा वो स्टेशन है, कोई हमारी माँ बहन या बुजुर्ग या कोई दिव्यांग अगर स्टेशन पे जा रहा हो, ट्रेन तो यहाँ 1.5-2 मिनट ही रुकती है, वो तो कोई भी खतरा हो सकता है, आज स्थिति बदल गई कि आज स्टेशन लग रहा है स्टेशन है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसको हम एक बड़े औद्योगिक नगरी के रूप में पेश करें,
जिससे यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। हम विश्वविद्यालय के लिए याचना नहीं करते, विश्वविद्यालय बनना यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ के छात्र। यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म हो, जिस राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविताओं का अनुवाद रशियन भाषा में हो, लैटिन अमेरिका में हो, लेकिन अमेरिकन देश में उनकी कविता पढ़ी जाए, वहां एक विश्वविद्यालय नहीं हो हमारी स्थापना। गरहरा में एक इंटर कॉलेज है, मैंने डीआरएम से कहा उस इंटर कॉलेज में हमारे जितने लोग बच्चे पढ़े नहीं है, स्कूल कॉलेज हमारे बच्चे नहीं है, आर्थिक रूप से जो सामान्य प्रकार के लोग आते जाते हैं, मैंने कहा मानवीय दृष्टिकोण से इस कॉलेज को बंद करना, गरीबों की शिक्षा का लाभ बनना, उन्होंने स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह, राजकिशोर बाबू के नेतृत्व में एक बहुत सधे व्यक्ति हैं और शालीनता है, लंबे समय से संघ का कार्य करने का संघ की पद्धति है, अपने आप को थोपने की पद्धति नहीं, और जैसे जिला अध्यक्ष जी ने प्रचलित, हमने प्रचलित संघ की व्यवस्था है, हम उसी से संघ से बीजेपी में आने से हम परिवर्तित हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि और हम संघानुकूल बने। तो ये करते हुए सामोपूर्ण बनने की स्थिति में आ गई है। ये जो अभी पर्यटन मंत्रालय से मैंने मांग किया है, पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय से, कि जो हमारा मझौल में कांवड़ झील है वो जो रामसर साइट में आ चुका है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, इससे तकनीकी रूप से आने से कुछ नहीं होगा। तो जयमंगलागढ़ की मैंने आज बात की, जयमंगलागढ़ तो एक शक्तिपीठ है, उसको हम क्यों सोचते हैं कि जयमंगलागढ़ खाली एक रोड बने, खाली थोड़ा ठीक हो जाए, अरे वो शक्तिपीठ है, जैसे बाकी शक्तिपीठ है ऐसे शक्तिपीठ है। अतः बेगूसराय के पर्यटन का, बेगूसराय के स्वतंत्रता संग्राम का, जैसे डीआरएम साहब से कहा कि बेगूसराय के कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका परिचय मधुर आवाज में स्टेशन पर दिया जाए, क्योंकि लोगों के अमृत महोत्सव था, हो सकता है वो कांग्रेस के रहे हो, कौन हम तो थे हमारी जनशक्ति, लेकिन हमारी वो धरोहर है। और मैंने बेगूसराय में एक चीज और कहा है कि हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन भूमिका रही, हमारे बच्चे उससे परिचित है। मैं अपने एमपीलैड फंड से 1 करोड़ रुपया सिर्फ उस कार्य के लिए देने के लिए अगला फंड आएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी है और उसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं ललन बाबू से भी बात करूंगा, खगड़िया के सांसद से बात करूंगा, क्योंकि पहले मुंगेर जिला था, मुंगेर बेगूसराय खगड़िया वे टेक्निकली अलग हो गए, ये तीनों जिला के जितने स्वतंत्रता सेनानी हो उसका मैं वो उनको मैं जानकारी दूंगा, वो केंद्र बेगूसराय बन जाए, जो मुंगेर के भी रहे, लखीसराय के रहे, सब हमारे एक ही जिला थे। तो एक बड़ा केंद्र आगे जाकर 10 वर्षों में वो एक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित होगा। जब तक हम बड़ा सपना नहीं देखेंगे तब तक हम बाकी छपरा जिला इम्पोर्टेंट है, पटना जिला इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी जो भूमिका बढ़ेगी तो बिहार की भूमिका बढ़ेगी। इसे ही मेरा संदेश है, हम सभी कार्यकर्ता एक ईमानदारी और न्याय और नैतिकता तीन को नहीं छोड़ेंगे, भस्म हो जाएंगे नहीं छोड़ेंगे, गिद्ध मांस नोच कर खा जाएगा कफन नहीं मिलेगा, लेकिन सही रास्ते से नहीं, जब प्रतिज्ञा लेकर चलेंगे